पैडमैन तो आपने सुना होगा, पर आज आपको मिलवाते हैं भिलाई की रहने वाली पैड वुमेन से, जिनकी कहानी बड़ी दिलचस्प। अनुभूति श्री फाउंडेशन की ओनर डिंपल कौर, जिन्होंने जागरूकता के लिए वो कदम उठाया जिस पर लोग सिर्फ शर्म दिखाते हैं, शर्म सैनिटरी पैड पर, शर्म पीरियड्स पर, शर्म महावारी पर। ऐसी शर्म और ऐसी धारणाओं को तोड़ते हुए डिंपल कौर ने एक टीम तैयार की। नमस्कार, मैं डिंपल कौर, अनुभूति श्री फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं संस्थापक। हमारी ये संस्था 2016 यानी विगत 8 वर्षों से महिला एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति कार्य कर रही है। भिलाई में मौजूद भारत का एकमात्र ऐसा फाउंडेशन जहां सैनिटरी पैड सबसे कम कीमत में मिलता है, और इसकी शुरुआत मैंने स्वयं से की, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को लेके कुछ इस तरह की चीज़ें फेस की 2-3 साल। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड पे ही कुछ करना चाहिए। महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई जगहों पर, चाहे गली कूचों, गांव मोहल्लों में जाकर लोगों को जागृत करने का काम आज भी डिंपल कौर के जरिए जारी। समाज में या बाहर ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको इस बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद भी जागरूक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस की, जिसके कारण मुझे लगा कि इस क्षेत्र पे ही मुझे काम करना है। और मैंने सेवा देने की सोची और इस तरह से मैं समाज सेवा पे उतरी। और आज हमारी ये संस्था जो है करीब 7.5 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण कर चुकी है। महिलाओं का संघर्ष भरा जीवन उन्हें तोड़कर मजबूत करता, इसलिए मानसिकता बदलनी होगी। इसलिए महावारी को पाप न समझो और घर की लक्ष्मी को श्राप न समझो। पुराने कपड़े हम एकत्रित करके इसको धोकर खुद से ही हम घर पर सिलकर इसको सैनिटरी पैड बनाने लगे, और बस्ती बस्ती जाकर हर सप्ताह हम किसी भी एक बस्ती को टारगेट करते रहे, और बस्ती जाकर हम इसके प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते थे, और उसके साथ साथ हम फ्री सैनिटरी पैड देते थे, उसके बारे बताते थे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फेंकना कैसे है, कैसा इसका ऐसा इस्तेमाल हो ताकि वातावरण को भी हम सुरक्षित रख सके। तो इस तरह से हमारी ये जो सेवाएं हैं ये चलती रही, और उसके फीडबैक हमको महिलाओं से मिलते रहे, और उसके साथ साथ ही हमने उसके अनुसार ही अपने कार्य में कुछ बदलाव लाया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और अब हम अपना सैनिटरी पैड अपने बैनर पे हम लोगों को दे रहे हैं, और हमारी जो सेवाएं हैं नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्र कह ले, उसमें भी हमारी सेवाएं लगातार जारी है। आज जरूरत है महावारी पर चुप्पी तोड़ने की, जैसे पैड वुमेन तोड़ रही और हर घर जागरूकता से संपर्क जोड़ रही। और हमारी संस्था जो है वो अब 4 राज्यों में काम कर रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में तो कार्य कर ही रही है। तो इस तरह से हमारी संस्था आज इस क्षेत्र पे पहुंच चुकी है, यहाँ तक पहुंच चुकी है। लोगों को हम जिस तरह जागरूक कर रहे हैं, तो लोग हमारे सहयोग में भी आए ताकि हम इस अपने कार्य को और बढ़ा सके। अनुभूति श्री फाउंडेशन, एक कदम महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की ओर।